Am I audible and visible, all of you? Yes, sir. Fine. So today we are going to start with the alphabet series. Give the heading alphabet series. लास्ट क्लास में हमने नंबर सीरीज किया था. मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 6 तक करने बोला था, सेट 6 तक. आई होप आप लोग ने प्रैक्टिस किया है. अगर कोई भी डाउट है तो हम लोग टूवर्ड्स एंड में ले सकते हैं वो डाउट. सबसे पहले आप ए से जेड तक लिख लीजिए और आपको सिंपल ऑर्डर फॉलो करना है और हाथ ही हाथ रिवर्स ऑर्डर भी फॉलो करना है. आप पहले अल्फाबेट लिख लीजिए, राइट डाउन द अल्फाबेट ए से लेकर के जेड तक. सिंपल ऑर्डर फॉलो करेंगे एंड रिवर्स ऑर्डर भी फॉलो करेंगे एंड दोनों का टोटल इज 27. दोनों का टोटल शुड बी 27. तो अगर किसी को सिंपल ऑर्डर याद है तो 27 माइनस सिंपल ऑर्डर विल बी द रिवर्स ऑर्डर. 27 माइनस सिंपल ऑर्डर विल बी द रिवर्स ऑर्डर. 27 माइनस सिंपल ऑर्डर विल बी द रिवर्स ऑर्डर. ट्वेंटी सेवन माइनस सिंपल ऑर्डर विल बी द रिवर्स ऑर्डर. चलिए फटाफट कॉपी में करिए. ए से जेड तक आप लिखेंगे, एक कॉलम बनाएंगे सिंपल ऑर्डर का, एक कॉलम बनाएंगे रिवर्स ऑर्डर का, टोटल में 27. और नोट्स में आप क्या लिखेंगे, 27 माइनस सिंपल ऑर्डर इज इक्वल्स टू व्हाट. रिवर्स ऑर्डर. यस और नो? यस सर. हो जाने से बोलिएगा. सिंपल एंड रिवर्स ऑर्डर हो जाने से बोलिएगा. ई जे ओ टी वाई दैट इज मल्टीपल ऑफ 5. ऐसा बोला जाता है, ऐसा माना जाता है. अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल यू है तो टी का मेरे को याद है 20 है, टी के बाद यू आ गया तो यू का कितना होगा 21. वी का कितना हो गया 22. इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द सिंपल ऑर्डर ऑफ ई जे ओ टी वाई एंड ऑल्सो वॉवेल्स एंड ऑल्सो वॉवेल्स ए आई ओ यू. इतना याद रखने से आपका मैक्सिमम हो जाता है. ई जे ओ टी वाई याद रखिए एंड वॉवेल्स भी याद रखिए. ए आई ओ यू, ए आई ओ यू. क्लियर है? यस. यस सर. अगर आप देखेंगे तो आप मेरे को बताएंगे डी का नंबर क्या है. डी इज 4.
यस और नो? यस सर। एच का पोजीशन क्या है? 8। एल का? 12। पी का? 16। इसका 24। यस सर। तो देख के ही समझ में आ रहा है कि जो मिसिंग टर्म होगा वो 16 प्लस 4 20 टर्म होगा, विच इज टी। तो हम लोग को करना क्या है इसमें सर? लिखो करना क्या है। अल्फाबेट सीरीज को नंबर सीरीज में कन्वर्ट करना है। कौन कौन सीखा है नंबर सीरीज लास्ट क्लास में? एलआर क्लास वन में नंबर सीरीज कौशल सुल्तानिया एक बच्चा ही सीखा है, बाकी तुम लोग नहीं सीखा है क्या? नंबर सीरीज कौन कौन किया है लास्ट क्लास में? ओनली वन, प्लीज शो थम्स अप। वाह, तो जो लोग नंबर सीरीज किया है वो लोग के लिए ये जो स्टार्टिंग का जो अल्फाबेट सीरीज है दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम। We will just convert the alphabetical pattern to a number series and we will solve the sums accordingly. We will solve the sums accordingly. ठीक है सर? ठीक है, 7.1, 7.3, 7.3 हम लोग कर लेंगे। 7.4 बताइए, बोल रहा है बी के एस है, डी जे टी है, एफ आई यू है, एच एच वी है। हमको अगला टर्म निकालना है, तो एक बार में नहीं होगा, सबका फर्स्ट पोजीशन को कंपेयर करो। बी के बाद डी, बीच में सी गायब, डी के बाद एफ, बीच में ई गायब, F के बाद H, बीच में G गायब, तो H के बाद I गायब, तो पहला लेटर क्या होगा? J। Yes or no? साफ साफ बोला है first letter is moved two steps forward, B plus 2, 2 plus 2 4 and the fourth letter is D, 4 plus 2 6 and the sixth letter is F। K, J, I, H, तो माइनस वन हो रहा है, K के ठीक पहले J, J के ठीक पहले I, I के ठीक पहले H, तो ये G होना चाहिए, हाँ या ना? Yes sir। सेकेंड लेटर में एक बैकवर्ड है मतलब माइनस वन, तो अभी तक रूल क्या सेट हो रहा है? प्लस टू कॉमा माइनस वन कॉमा एस टी यू वी प्लस वन हो रहा है, मतलब वी के बाद टी यू वी डब्लू, तो मेरा आंसर क्या होगा? बोलो। ऑप्शन सी सर, जे जी डब्ल्यू। जी जी डब्ल्यू, जे जी डब्ल्यू, क्लियर है? सिंगल लेटर वाला कैसे करना है, मल्टीपल लेटर वाला कैसे करना है, क्लियर है? यस और नो? यस सर। चलो, कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट।
कोडिंग डिकोडिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो किताब में लॉजिक लिखा है वो भूल जाइए, किताब में जो लॉजिक लिखा है उसको भूल जाइए, इसमें आइए आप, गिवन वर्ड में। हम लोगों को क्या किया रहेगा, एक वर्ड को कोडेड वर्ड गिवन रहेगा, मतलब ओरिजिनल भी दिया हुआ रहेगा और कोडेड वर्ड भी दिया रहेगा। अब आपको जो वीडियोस मिलता है वो फ्री फ्लो मिलता है कि इंक्रिप्टेड मिलता है? हेलो, इनक्रिप्टेड सर? इंक्रिप्टेड मिलता है ना, यस सर। मतलब आप एक आईडी पासवर्ड डाले होंगे तो उस वो आईडी पासवर्ड से ही वो चलेगा, राइट? यस सर। तो एनक्रिप्टेड वर्जन है आपके पास में। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होगी, अगर मैं एग्जांपल लूं राजी, ये जितने भी पेट्रियोटिक मूवीज होते हैं, या जो भी टाइगर जिंदा है, इस तरीके के जो मूवीज होते हैं उसमें लोग कोड लैंग्वेज में बात करते हैं। यस सर। टाइगर से अच्छी काली दाल कोई नहीं बना सकता, ये उसका कोड वर्ड था। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, आज हम लोग भी आपसरी में जब बात करते हैं इनिशियली कि क्या किसी को पता था KKRH क्या होता है, किसी को नहीं पता था क्या कर रहा है, ठीक है? IKR इसका मतलब क्या होता है? एनीवन इन द क्लास? आवाज नहीं आया। एनीवन इन द क्लास, IKR का मतलब क्या होता है? आई नो राइट। वेरी गुड, आप यूज करते होंगे बहुत लोग, अगर लिखते हैं ऐसे व्हाट्सएप तो बोलता है व्हाट्सएप में ही तो है और क्या व्हाट्सएप करे। व्हाट्सएप मतलब इज जस्ट अ इंग्लिश वर्जन ऑफ KKRH। तो जिस तरीके से हमने कोड कोड वर्ड बनाया आपस में बात करने के लिए, बहुत लोग का ब्रो कोड होता है, यो वो लोग कुछ ऐसा बोलते हैं फिर आपस में हंसने लगते हैं, तो वो लोग को ही समझ में आएगा और किसी को समझ में नहीं आएगा। उसी तरीके से देयर आर कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो हम लोग को लॉजिक अप्लाई करना है। वो लॉजिक क्या अप्लाई करना है, हम लोग को ओरिजिनल वर्ड दिया हुआ है और ये कोड दिया हुआ है, ठीक है? जैसे मैं पहला वाला देख रहा हूं, आपको क्या करना है, RHYTHM और ठीक उसके नीचे लिखना है SIZUIN। सबसे पहले आपको क्या ऑब्जर्व करना है, क्या कोई रिपीटेशन है, यस और नो? यस सर। और उस रिपीटेशन का कोडिंग ही सेम, यस सर। इसका मतलब अभी तक देख के यही समझ में आया है, इट इज प्लस वन, यस सर। बाकी सब में भी वही अप्लाई हो रहा है। यस सर। तो मेरे को ये बताओ, अगर मैं आपको एक वर्ड दूं जेनिथ, तो इस लॉजिक से इसका आंसर क्या होगा? सर जेड के बाद तो खत्म हो गया है, वापस से स्टार्ट करो। ए, ई के बाद क्या आएगा? ABCDE एफ। एफ MNOIJTUHI,
दिस इज माई कोडेड वर्ड. तो सर क्वेश्चन कैसा आएगा? ओरिजिनल वर्ड दिया रहेगा, कोडेड वर्ड दिया रहेगा, लॉजिक ढूंढना पड़ेगा, लॉजिक ढूंढना पड़ेगा. एंड लॉजिक ढूंढ के क्या करना है? और एक ओरिजिनल वर्ड दिया रहेगा, उसका कोडिंग करना है, या कोडेड वर्ड दिया रहेगा, उसका डिकोडिंग करना है. आपने कभी वेरिएशन पढ़ा है? सुना होगा रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएशन. यस सर. उसमें सम्स कैसा आता था? उसमें सम्स ऐसा आता था, देखो मैं दिखाता हूं, अगर किसी को भी याद होगा तो ऐसा आता था, ए वेरीज बी, राइट, या ए वेरीज बी स्क्वायर. तो हम लोग क्या लिखते थे? देयरफॉर ए इक्वल्स टू के इंटू बी स्क्वायर. हाँ या ना? यस सर. इफ a equals to 2, b will be 3. Putting the above 2 equals to k into 3 square. और k का आंसर हो जाता था 2/9. क्वेश्चन पूछता था, फाइंड the value of b if a is equals to 4. तो हम लोग लिखते थे, we know that a equals to 2/9 b square, or 4 equals to 2/9 b square, or b equals to root over 18. तो यहां पर भी सेम लॉजिक है, आपको ओरिजिनल वर्ड दिया हुआ है और कोडेड वर्ड दिया हुआ है, आपको ये दोनों को कंपेयर करके लॉजिक निकालना है, एंड देन आइदर आपको ओरिजिनल को कोडिंग करना है या कोडेड वर्ड को डिकोड करके ओरिजिनल निकालना है. सम्स का टाइप क्लियर है सबको? यस सर. पक्का? हाँ या ना? यस सर. तो अभी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से देखिए. करीबन करीबन 13 लॉजिक दिया हुआ है. हाउ मेनी लॉजिक सर गिवन? 13 एग्जांपल्स दिया हुआ है. हाँ या ना? यस सर. तो आपको क्या करना है, यही लॉजिक को सलमान में अप्लाई करना है. चलिए चालू हो जाइए. मेरे को फोटो चाहिए जिसमें 4 कॉलम होंगे, ये तो होगा ही. और सलमान को आप क्या लिख रहे हो, मतलब बेसिकली ये पूरा चीज को रिदम की जगह सलमान होना चाहिए बस, और बाकी कोडिंग आपको करना है.
बाकी कोडिंग आपको करना है। चलिए चालू हो जाइए। कोई भी सीरियल नंबर में प्रॉब्लम होगा मैं खुद आपको करके दूंगा, बट पहले आप ट्राई करिए। एग्जाम में किसको करना है, मेरे को या आपको? हमें करना सर। तुम्हें ही करना है ना, तो लॉजिक क्रैक कौन करेगा एग्जाम में? हु विल क्रैक द लॉजिक? सर हम ही करेंगे। तुम ही करोगे? अभी कौन करेगा, मैं या तुम? सर हम। मैं करूं कि नहीं करूं? सर पहले हम ट्राई करते हैं। पहले, वेरी गुड, यही चाहिए, यही स्पिरिट चाहिए आपसे। पहले आप ट्राई करिए, मैं तो इतना समझाया, क्या फायदा ऐसा टीचर का जिसके समझाने के बाद आपसे सम ना बने। पहले ट्राई करिए, आप देखिए, ऑब्जर्व करिए, जहां भी प्रॉब्लम आ रहा है, छोटा सा भी प्रॉब्लम आ रहा है, पूछिए पूछिए। चैट बॉक्स में आंसर लिखते जाइएगा, सीरियल नंबर वन का आंसर ये होगा, सीरियल नंबर टू का आंसर ये होगा। मैंने आपको ये सेम चार्ट बनाने बोला है एग्जाम्पल वाला, बट वर्ड मैं दिया हूं आपको, सलमान, SALMAN, सलमान भाई का पिक्चर आ रहा है टाइगर 3। पहला वाला आंसर अभी तक हुआ नहीं किसी का, वाह, अनमोल जी ने आंसर भेजा है। क्या अनमोल का आंसर राइट है, मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से। क्या बात है, क्या बात है, सभी एकदम जोर शोर से। चलिए होगा होगा, ऐसा कोई है जिससे नहीं हो रहा है, मेरे को समझाना है तो वो बोल सकता है अनम्यूट करके। तो पहला दो लॉजिक तो क्लियर है, प्लस वन माइनस वन। तीसरा वाला के लिए आपको एक चीज प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ए से जेड सीधा लिखिए, जेड से उसके बगल में लिखिए, तो आप देखेंगे आर के ठीक बगल में आई आ रहा है रिवर्स ऑर्डर में, एच के बगल में एस आ रहा होगा।
अनमोल हो रहा है? अनमोल माधव, यस सर, आशी, तो चलिए आंसर लिखते हैं पहला वाला का। पहला वाला का आंसर कंफर्म हो चुका है, इट्स TBMNBO। दूसरा वाला का है RZRZKLZM। तीसरा वाला का HZONZM। वेरी गुड। फोर्थ वाला का इट्स इन रिवर्स ऑर्डर, तो सलमान भाई के नाम को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है अपने को। फिफ्थ में वी कैन से मिक्स्ड लॉजिक लगा है, प्लस वन माइनस वन ऐसा। ऑड प्लेसेस में वी आर गोइंग प्लस वन, सो एस क्या आएगा? इट विल बी TZML, ZM, TZML, फिफ्थ BM होगा। तुमने इसमें गलत किया, पांच नंबर में, पांच नंबर में आप लोग गलती कर रहे हैं। आप लोग एच का सेम ले रहे हैं, गलत कर रहे हैं आप लोग। पांच नंबर में एक एच इवन प्लेस में है, एक एच ऑड प्लेस में है। तो यहां पर ए के साथ में जेड आएगा, बट नेक्स्ट वाला ए के साथ में बी आएगा, क्योंकि ऑड प्लेस में क्या हो रहा है, प्लस वन हो रहा है ना, और इवन प्लेस में माइनस वन हो रहा है। तो फिफ्थ वाला का आंसर होगा TZMLBM। फिफ्थ वाला क्लियर है सबको? यहां पर यस भी सर, मिक्स लॉजिक है, प्लस वन प्लस वन प्लस वन, उसके बाद माइनस वन माइनस वन माइनस वन। तो TBMLZM। अब दो दो लेटर लेके इंटरचेंज कर दो, तो ऐसे बन जाएगा AS, LM बन जाएगा ML, और ये बन जाएगा NA। वेरी गुड। तो पहला साथ में कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों को, यस और नो? नो सर। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए मैं फिर से वर्ड लिख दे रहा हूं। सलमान,
द लॉजिक्स आर गेटिंग डिफिकल्ट, नंबर्स याद रखना होगा आपको, नंबर्स याद रखना होगा, सब नंबर्स का गेम है। अगर मैं यहां पर बॉक्स बनाऊं शेडो, एक दो तीन चार पांच छः, आर का क्या नंबर है बोलिए तो? 18। आर इज 18। एच का? 8। एट। वाई इज 25। टी इज 20। एच इज 8। एम का? 14। 14 है इसमें, बताओ। नहीं 13 होगा सर, 13। एम का 13 होगा। एन का नंबर बताओ? 14। एन का 14 है, ठीक है। उसके बाद जी का सर 7 है। 7 है। यू का 21। यू का 21। X 24। I 9। F 19। F 19। तो देखो सीधा सीधा तो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, सीधा सीधा में देखिएगा तो कनेक्शन नहीं बैठ रहा है, उल्टा में कनेक्शन बैठ रहा है। 13 20 8, 14 21 9 और 8 25 18, 7 24, 8 का 7, 25 का 24। ये तुम S का गलत बताया है क्या मेरे को? S का कितना बताया है? सर 19। S 19 होगा। गलत है, ये 17 होगा। R का कितना है? अरे बोलो ना, आर का कितना है सर? एस का 19 नहीं होगा, क्यू आर एस टी आता है ना सर, तो टी तो 20 है। नहीं नहीं आर का वैल्यू कितना है? 18 है क्या? यस सर। हाँ तो ये एस नहीं होगा, गलत है फिर ये। 17 लेटर कौन सा है? 17 क्यू, क्यू होगा ये, क्योंकि साफ साफ क्या बोला है ये लोग, उल्टा करके फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ को प्लस वन करना है एंड सेकेंड फोर्थ एंड सिक्स्थ को एक पीछे भेजना है। तो 18 तो लास्ट प्लेस में है, 18 के पहले क्या आता है? 17 है ना? यस सर। तो हम लोग को भी क्या करना है, सलमान को उल्टा लिखना है जो कि हम लोग लिख लिए थे नेमलेस। अब यहां प्लस वन, यहां प्लस वन, यहां प्लस वन, यहां माइनस वन, यहां माइनस वन, यहां माइनस वन, तो एन प्लस वन मतलब ओ, एम एन ओ, ए के पहले आता है जेड, एम के बाद आएगा एन, एल के पहले जे, के, ए के बाद बी, एस के पहले आर। क्लियर है? यस सर। ये 8 नंबर तुम लोग क्या किया है? ए बाबू माधव, ए माधव, हेलो। यस सर।
तेरा बी कैसे आया बाबू? करेक्शन करो, क्या मेरा आंसर राइट है कि रॉन्ग है? सही है सर। सही है। टेन नंबर इज इंपॉर्टेंट, डिक्शनरी ऑर्डर। तो डबल ए आ जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जे के एल, एल एम एन लास्ट में एस। जस्ट राइटिंग द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। टेन नंबर बहुत बार पूछता है। राइटिंग द वर्ड्स इन डिक्शनरी ऑर्डर। चलिए इलेवन ट्वेल्व थर्टीन बताइए। बहुत बार ऐसा भी होता है ओरिजिनल वर्ड दे देगा, लॉजिक दे देगा, और कोडेड वर्ड निकालना होगा, तो ये उस टाइप का समय है। क्योंकि बहुत बार लोग लैंग्वेज पढ़ने में दिक्कत हो जाता है उन लोग को, तो इसका वर्ड हम लोग को सुनना है। पहले इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखो, फिर ऑपोजिट लेटर्स, उसके बाद फर्स्ट थर्ड फिफ्थ को प्लस वन किया गया, सेकेंड फोर्थ सिक्स्थ को। व्हाट डू यू मीन बाय ऑपोजिट लेटर्स? ऑपोजिट लेटर्स का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर ना। यस सर। नाइन नंबर और कोई ट्राई किया है? करिए मेरे को नाइन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन का आंसर बताइए। ट्वेल्व नाइन वाला का आंसर होगा एन वाई ओ एन ए जी।
और 11 वाला का है आर वाई आई आई वी एम, 12 का है ए एस एम एल और एन ए, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट सेम रख के बीच के लेटर्स को इंटरचेंज किया गया है। क्लियर है ये सीरीज सर? इलेवेंथ में ये सलमान में सर एन में कितना माइनस करेंगे, 6 से? देखो मैं बता रहा हूं, सलमान है ना, सलमान है तो सबसे पहले तुम मेरे को एस का नंबर बताओ। 19 है, 1 है, उसके बाद एल का 12, एम का 13, इसका 14 है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6, तो क्या आउटपुट आ रहा है? 19 माइनस वन तुम जब लिखोगे ना तो कितना लिखोगे? 18। 1 -2 जब तुम लिखोगे तुम 25 लिखोगे, क्यों? 1 के पहले क्या आता है? 26, 25, ठीक है। 12 -3 9, 13 -4 9, अब -5 करना है तो हाथ से जाओ, 26 25 24 23 22, 14 -6 8। अब तुम मेरे को बताओ 18th लेटर कौन सा है? आर, ये वाई, यस सर, ये आई आई, यस सर। 22nd लेटर कौन सा है? एच पी वी, और 8 सर एच, एच है, यस। आर वाई वाई आई 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 वी एच, ये एच है, मेरे को एम दिखाई दिया था। क्लियर है कोडिंग डिकोडिंग? यस यस सर, ठीक है। तो आप लोग पेज नंबर 1.29 तक आपका होमवर्क है। जो बच्चा नहीं कर रहा है फिर वो देखो, ग्रेजुअली अगर हम लोग नहीं प्रैक्टिस करेंगे एवरी डे तो हम लोग भूल जाएंगे। आपका तो रेस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है कि जितना हम लोग क्लास में सीख रहे हैं फिर हम लोग उतना होमवर्क करके जो डाउट हो रहा है सर से पूछ ले नेक्स्ट क्लास में। सर मैं, आप ये चाहते हो क्या मैं एक दिन में सारा करा दूं? डू यू वॉन्ट दिस काइंड? मैं एक दिन में क्या चाहते हैं आप कि एक एक करके टॉपिक डिस्कस करिए फिर हम लोग को सॉल्व करने का टाइम दीजिए, जब हम लोग का प्रैक्टिस खत्म हो जाएगा उसके बाद आप अगला टॉपिक कराइए। इससे क्या होगा, सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगा, डाउट भी क्लियर हो जाएगा। इज दैट करेक्ट और नॉट? यस सर, ये अप्रोच ठीक है कि एक बार में सब करा के सिलेबस खत्म करा दो? नो सर, क्या अप्रोच चाहिए? सर वही की प्रैक्टिस का टाइम मिल जाए। तो डेली करेंगे तो आराम से हो ही जाएगा 10-12 दिन में। हाँ जी सर, कितना है 112 पेज का तो पीडीएफ है ही, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो हो जाएगा ना? यस सर, चलिए ठीक है। लास्ट क्लास का कोई डाउट है किसी को? यस और नो? नहीं है तो आप क्या करेंगे, आपको पेज कितना तक होमवर्क करना है? 1.29
बोलिए हेलो, कितना पेज तक होमवर्क करना है आपको? एंड 1.29। उसके बाद मैं और एक आपको एमसीक्यू का सेट भेज रहा हूं, या छोड़िए वो मैं बाद में भेजूंगा। पहले आज आप खाली पेज कितना तक कंप्लीट करेंगे 1.29। और सारा सम्स करेंगे, प्रॉमिस करिए। बोलिए मैं शपथ लेता हूं, मेरे साथ साथ बोलिए, मैं शपथ लेता हूं। सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को। हेलो, मैं शपथ लेता हूँ। एक बच्चा लेगा, बाकी बच्चा ठीक है, ऐसे लिख दो, आई प्रॉमिस टू डू ईच एंड एवरी सम टिल पेज 1.29 बाई टुमारो। इतना लिख दो बस खाली चैट बॉक्स में, आई प्रॉमिस टू डू ईच एंड एवरी सम टिल पेज 1.29 बाई टुमारो। देखो मैंने तो डेट भी लिखने नहीं बोला कि कल का डेट दे दो, कल मतलब कल कभी भी। लीजा जय लिखी है, अनमोल लिखा है, माधव लिखा है। अब टुमारो मतलब तुम लोग का, देख लो भाई आज का डेट कौन सा है, वो कल का डेट, ठीक है? इज इट डन? यस सर। चलो ठीक है।